हेलो दोस्तों, नमस्कार। पी के मौज मस्ती चैनल पर पी के श्रीवास्तव आप लोग समक्ष एक बार फिर से आ गया हूं दोस्तों, अखबार के न्यूज लेकर। दोस्तों देखिए, ये मुजफ्फरपुर की न्यूज है। दोस्तों देखिए क्या रहा है कि प्रारंभिक शिक्षक नियोजन MSKB प्लस टू स्कूल में जमकर हंगामा, यानी MKBS जो है ये स्कूल है प्लस टू का, उसमें जो है जमकर हंगामा। क्यों, क्या? देखिए, मौके पर पहुंचे टाउन DSP और SDO, काउंसिलिंग में पिछली दरवाजे से एंट्री देने पर भड़का, आक्रोश अभ्यर्थी ने की रोड़ेबाजी, DOP को चोट। ठीक है, DOP को जो है ना दोस्तों चोट, रोड़ेबाजी किया स्टूडेंट तो DOP को चोट लगा। अब देखिए किस वजह से हुआ, ठीक है। तो आप लोग जो है ना बारीकी से दोस्त इसमें आप जूम करके देख सकते हैं दोस्तों, और वैसे मैं जो है ना थोड़ा बहुत जो है ना मैं आपको भी बता देता हूँ दोस्तों, ये देखिए किस वजह से हुआ है। ठीक है, ये देख लीजिए, प्रारंभिक शिक्षा नियोजन की चौथे और विशेष राउंड की काउंसिलिंग में पिछले दरवाजे से एक आवेदन की एंट्री दिए जाने को लेकर आक्रोशित अभ्यर्थी ने MSKB+2 स्कूल केंद्र पर जमकर रोड़ेबाजी की। DOP स्थापना जमालुद्दीन के बाएं हाथ में रोड़ा लगा, ठीक है, उसका सिर बाल बाल बच गया। DOP अब्दुल सलाम अंसारी समेत अन्य ने खुद को बचाते हुए कमरे में बंद कर खुद को सुरक्षित किया। अभ्यर्थियों के बवाल से काउंसलिंग की प्रक्रिया 4 घंटे तक बंद रही। घटना की सूचना के बाद मौके पर अतिरिक्त पुलिस बल के साथ टाउन DSP और SDO सभी जन प्रकाश मौके पर पहुंचकर उन्होंने अभ्यर्थियों को समझाकर मामला शांत कराया, तब काउंसलिंग की प्रक्रिया फिर से शुरू की गई। तो दोस्तों ये सब जो है ना सरासर जो है घटित घटना है, क्योंकि जो विद्यार्थी जो जिसका होना है, जिसका मेरिट ज़्यादा बन रहा है तो उन्हीं को होगा, लेकिन अदर कोई जो है ना घुसपैठ के माध्यम से जो वो मिले रहती है, वो जब इस तरह का मामला करते हैं तो विद्यार्थी तो अपना हक के लिए कुछ करेगा ही। तो देखिए इसके बाद जो है ना, देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, आरोप गलत काउंसलिंग को लेकर शिकायत की लेकिन नहीं सुनी, यानी जो है ना गलत तरीके से काउंसलिंग लिया जा रहा है, तो इसके वजह से जो है ना वो स्टूडेंट जो है ना रोड़ेबाजी किया था। अब नेक्स्ट देख लीजिए क्या कर रहा है दोस्तों, राजकीय मध्य, ठीक है, राजकीय मध्य विद्यालय कमरुद्दीनगंज में 9 आवासीय मॉडल में, ठीक है, इसके बाद होगी निष्पक्ष की जो है ना काउंसलिंग, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या कह रहा है, कहाँ गए नियोजन इकाई की ओर से काउंसलिंग, वीडियोग्राफी की निगरानी में काउंसलिंग। तो देखिए दोस्तों ये सब जो है ना मेन हेडलाइंस में आपको बता दे रहा हूँ। इसके बाद जो है ना दोस्तों आप लोग जो है ना इस ये जो घटित घटना हो रहा है उसमें चर बढ़ के जो है ना भाग लीजिए, ताकि इस तरह का घटना ना घटे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ कहाँ से किन नियोजन इकाई की हो रही काउंसलिंग। राज्य के मध्य विद्यालय कमरुद्दीन नगर प्रखंड में नियोजन इकाई रहुई 105 के लिए सामान्य 57 उर्दू और 8 आवासीय, ठीक है। इसके बाद देखिए आवासीय मॉडल जो है ना माध्यमिक विद्यालय भैसापुर प्रखंड नियोजन इकाई हिलसा 1-5 के लिए सामान्य 68 उर्दू और 6, ठीक है। तो उर्दू के माध्यम से जो यहाँ पर हो रहा है, और देखिए यहाँ पर होगी प्राथमिकती। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर बारीक रूप से जो है ना आप लोग देख सकते हैं क्या क्या है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगे, वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। ये जो धांधली हो रहा है दोस्तों और रोड़ेबाजी जो कर रहा है दोस्तों, आप ही कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये गलत हो रहा है स्टूडेंट के साथ या सही हो रहा है। कमेंट सेक्शन में जाकर आप जरूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों, ताकि वीडियो अच्छा लगे, और आप लोगों को तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन घंटी प्रेस करके अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। बस आज के लिए इतना दोस्तों, PK मौज मस्ती चैनल सदस्य को दे दीजिए, तो बाकी बात कल फिर मिलेंगे। ओके, बाय।